तो महाराष्ट्र में जहां एमवीए में सीटों का पेच फंसा है, वहीं महायुति यानी एनडीए में सीटों को लेकर तकरार है। माढ़ा और सतारा सीट को लेकर तकरार है। कल देर रात तक बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई और आज दिल्ली में महायुति के नेताओं की बैठक होनी है। उम्मीद यही है कि इस पर कोई फैसला आज आ सकता है। पीएम आवास पर करीब 3 घंटे कल ये बैठक चली और आज एक बार फिर से बैठक होनी है। कल हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह तमाम लोग मौजूद थे। बीजेपी दफ्तर में उड़ीसा कर्नाटक के नेताओं की भी मीटिंग हुई और आज एक और अहम मीटिंग होनी है। उम्मीद है कि इसमें महायुति के नेताओं को शामिल किया जाएगा और उस पर कोई नतीजा, कोई फैसला आ सकेगा। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। विद्या, माढ़ा और सतारा सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है, आज इस पर क्लैरिटी आ जाएगी? दी कोशिश तो सभी पार्टियां कर रही हैं। देखिए, अहम मीटिंग का दौर शुरू है। कई सारी जो मीटिंग है दोनों तरफ से, चाहे अगर आप बात करें बीजेपी और इन लोग की, तो यहाँ भी मीटिंग चल रही है। और रिमेंबर, कोई भी मीटिंग जब होती है तो फिर वो पार्टी वर्कर्स से जाके वापस मीटिंग करते हैं, तो बैक एंड फोर, टू एंड फ्रो बहुत ज़्यादा होता है। और इसी वजह से ये ताकि किसी को नाराज़ ना रहे। देखिए, अगर कोई नाराज़ रह गया तो उस पर सीधे वोटों पर असर पड़ेगा और यही वजह है कि सारी पार्टियां बहुत फूक फूक के कदम उठा रही हैं। माढ़ा और सतारा का तो है ही, साथ में बारामती को लेकर भी अभी तक बहुत ज़्यादा कोशिश यही की जा रही है कि लोग नाराज़ ना रहें, हर किसी को कुछ ना कुछ मिल जाए ताकि जो अप्रोप्रिएट कैंडिडेट है वो भी खड़ा हो जाए और साथ ही सीटों का बंटवारा भी ना हो, वोटों का बंटवारा भी ना हो। इसके साथ ही विद्या, एक एक सीट को लेकर जिस तरीके से मंथन किया जा रहा है, 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं, वहां पर 2 सीटों को लेकर पेच फंस गया है। अब चाहे महायुति हो, महाविकास एमवीए हो, दोनों गठबंधन में ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति हर एक सीट को लेकर। और इस पूरी कवायद में कहीं ना कहीं मीटिंग्स और सारी जो कोर ग्रुप की बैठक हो रही है उसका एक लंबा सिलसिला चल पड़ा है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर आप देखें नेहा, तो ये जो मीटिंग है ये बहुत अहम इसलिए क्योंकि एक एक सीट पार्लियामेंट्री सीट्स में बहुत मायने रखती हैं। सिर्फ 48 है, अगर हम बात करें ये 48 की, तो ज़्यादातर सीटें जहां पर बीजेपी को जैसे अपने रिलीज़ करने थे कैंडिडेट्स का लिस्ट, तो उन्होंने रिलीज़ कर दिया, लेकिन एक एक सीट क्योंकि बहुत ज़्यादा अहम है, अगर एक सीट भी ज़्यादा अगर अपोजिशन पार्टी को मिल जाती है या कुछ सीटों से कुछ कैंडिडेट उनका लूज़ कर जाता है तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है पार्लियामेंट्री सीट्स पर। और यही वजह है कि कोशिश यही की जा रही है कि सबके साथ मन मुनव्वल करके चलें, किसी को नाराज़ नहीं करें। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे जो अप्रोप्रिएट कैंडिडेट है अप्रोप्रिएट पार्टी का उसको, और देखिए अगर बहुत सारी पार्टियों का अगर ले के चलते हैं तो ये तो होगा ही ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई पार्टी का सदस्य तो होगा ही जिसको भी इच्छा रही होगी कि उसको सीट से लड़ना है, लेकिन अब क्योंकि अलायंस में है तो वो नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हर जगह, अगर आप देखें तो अगर मुंबई की भी बात कर लें तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कि हर कोई नाराज़ चल रहा है, लेकिन फिर भी पार्टियां लगी हुई हैं मान मुनव्वर में कि कहीं ना कहीं जो नाराज लोग हैं उन्हें किसी तरह से मना के अपने खेमे में ही रखा जाए ताकि वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या फिर दूसरे पाले से जाके न मिल ले, ताकि नुकसान अंत में जब मई में जब वोटों की गिनती होगी उसके दौरान ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।